हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल होता क्या है। तो जरा इधर देखते हैं हम लोग। इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। जब आप प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशन को आप किसी टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल। सर, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन कैसा होता है? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन नेगेटिव और इनवर्स होता है। सर, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट प्राइस को, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड को किसी एक टेबल में शो करेंगे तो उस टेबल को हम क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। सर, आप हमें किसी दूसरे शब्दों में बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। यहां देखिए, अ टेबल शोइंग, एक ऐसा टेबल जो कि दिखा रहा है, बता रहा है, क्या बता रहा है, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ पीपल आर रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइस। मतलब डिफरेंट प्राइस और डिफरेंट क्वांटिटी जब आप किसी एक टेबल में लिख के दिखाएंगे और उस टेबल को हम क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। सर, आप हमें क्या इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं। यहां देखिए जरा, दिस इज प्राइस, ये देखिए प्राइस है हमारा और ये क्या है, क्वांटिटी डिमांड। और प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को हम किसी एक टेबल में रखे हैं तो इस टेबल को हम क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। बहुत अच्छा, समझ रहे हैं आप? तो सर, ये टेबल में क्या शो करते हैं? इस टेबल में हम लोग प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप शो करते हैं। यहां देखिए, प्राइस मेरा 10, 20, 30, डेट मीन्स प्राइस बढ़ रहा है। तो आप मुझे जल्दी से बताइए, डिमांड बढ़ेगा या घटेगा? सर, प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है और आप बता रहे हैं कि प्राइस बढ़ रहा है, डेट मीन्स डिमांड घटेगा। इधर देखिए, 40, 25 और लास्ट में घट के वो 15 हो गया। तो ये जो प्राइस और डिमांड, इसको एक टेबल में हम लोग प्रेजेंट किए हैं तो इस टेबल को हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल। सर, क्या सिर्फ बढ़ते हुए प्राइस और घटते हुए डिमांड को ही डिमांड शेड्यूल बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मैंने कब बोला? प्राइस के घटने या बढ़ने, डिमांड के घटने या बढ़ने, वो बस एक टेबल में होना चाहिए। तो उसे हम, उस टेबल को क्या नाम देंगे, उस टेबल को हम डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। सर, एक घटते हुए प्राइस का भी एग्जांपल दीजिए। यहां देखिए, प्राइस मेरा 30, 20, 10, प्राइस मेरा घट रहा है तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। 15, 25 और वो बढ़ के कितना हो गया, 40। तो ये हो चाहे ये हो, डेट मीन्स प्राइस बढ़े या प्राइस घटे, डिमांड घटे या डिमांड बढ़े, बस एक टेबल में होना चाहिए। तो उस टेबल को हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि डिमांड शेड्यूल कितने टाइप के होते हैं। तो डिमांड शेड्यूल दो टाइप के होते हैं। पहला का नाम है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा का नाम है मार्केट डिमांड शेड्यूल। सर, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जब आप किसी एक व्यक्ति का डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप चेक करोगे और उसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। सपोज कि मेरा नाम रवि है और जब आप सिर्फ और सिर्फ रवि के डिमांड एंड प्राइस का रिलेशनशिप को चेक करोगे और उसे एक टेबल में रिप्रेजेंट करोगे तो उस टेबल को हम क्या बोलेंगे, उस टेबल को हम बोलेंगे इंडिविजुअल। सपोज ये देखिए, प्राइस 468, प्राइस 468, डेट इज प्राइस बढ़ रहा है। और प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है? सर, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेगेटिव मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। तो देखिए, डिमांड 20, 15, 10, डेट इज डिमांड घट रहा है। ये जो प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ रवि के लिए है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, इंडिविजुअल डिमांड कर्व किसे कहते हैं। अब आते हैं मार्केट डिमांड कर्व। सर, मार्केट डिमांड कर्व से पहले आप मुझे यह बताइए कि सर, मार्केट डिमांड मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, मेरे डिमांड, इसके डिमांड, उसके डिमांड, मार्केट में जितने लोग हैं सबके डिमांड को टोटल कर लो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड बोलते हैं। तो सर, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? तो ये भी बिल्कुल उसी तरह होगा। जब आप एक से ज्यादा, दैट इज पूरे मार्केट का डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप किसी एक टेबल में रिप्रेजेंट करोगे और उस टेबल को हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। आइए जरा एग्जांपल में देखते हैं। ये देखिए, प्राइस 468, ये एक प्राइस दिया हुआ है किसी मार्केट का। उस मार्केट में तीन लोग हैं, नेहा, नंदू एंड पूजा। तीनों का अपना डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट डिमांड है। अब इन तीनों के डिमांड को एक टाइम जोड़ेंगे तो क्या होगा, मार्केट डिमांड होगा। तो आइए जरा डेराइव करते हैं। जब प्राइस 4 था तो नेहा का डिमांड 10, नंदू का 20 एंड पूजा का 30, डेट इज मार्केट डिमांड कितना था, 60 था। सर, 5, 10, 15, फिर मार्केट डिमांड कितना हुआ, 30 था। सर, फिर कितना हुआ,
20 था सर, तो दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। और जब आप किसी भी मार्केट में जितने प्राइस हैं और जितने क्वांटिटी डिमांड है सबको एक साथ प्रेजेंट करोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। तो ये भी हो गया मेरा। आइए अब जरा दूसरा टॉपिक देखते हैं।